जय श्री राम दोस्तों, ये लखनऊ में हमारा पांचवा दिन था और आज हम आए गए थे भूल भुलैया घूमने के लिए। भूल भुलैया हमारा मकसद नहीं था आने का, बट फिर भी सोचे कि आज सब जगह घूम लिए हैं, अभी रिजर्वेशन हमारा नेक्स्ट डे है तो आज घूम लेते हैं भूल भुलैया। इसलिए हमारा प्लान नहीं था कि किसके पहले मैं घूम चुकी थी तो, और यहाँ पर इतना ज़्यादा रस रहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी राजा बेटा को लेकर। और एक्चुअली यहाँ पे जब आके मैंने देखा तो कम से कम 20,000 से भी ज़्यादा लोग थे आके यहाँ अंदर, और बहुत ही ज़्यादा रस था और एकदम देख के डर लग रहा था कि कहीं कोई भगदड़ हो गया या फिर कुछ भी हुआ तो राजा बेटा मतलब तो उनका तो चिल्लाना स्टार्ट हो जाएगा। किसी तरीके से मैंने टिकट कटाया, लाइन बहुत लंबी थी लेकिन बीच में किसी तरीके से बस मैंने टिकट कटाया और फिर हम अंदर आ गए थे। देखिए कि आप भीड़ देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा संख्या में लोग आ जाए हैं, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था और जो है कि जुमा भी था तो सब लोग मतलब इंजॉय करने के लिए आए थे। और भीड़ की देखते हुए मतलब मैं तो एक मिनट के लिए भी राजा बेटा से अपनी नज़र नहीं हटा रही थी। फिर हम लोग अंदर भूल भुलैया में आए थे और इसमें भी चलने में जो है लाइन लगाना पड़ रहा था भीड़ की वजह से, बहुत सारी भीड़ थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं हम अभी अंदर नहीं जाएंगे, हम लोग फिर बाहर निकल आए और छत पे आके बैठ गए थे। छत पे भी बहुत भीड़ थी लेकिन आ गए हैं, टिकट ले लिया था तो ये था कि नहीं ये आ गए हैं तो यहाँ तक तो घूम के ही जाएंगे। तो हम बस घूमने लगे थे और यहाँ राजा बेटा खेल रहे हैं, उन्होंने अपने हाथ में माजा लिया है, वो माजा पीना नहीं होता है उनको, बस लेके खेलना होता है। पति देव भी बैठ गए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गए थे और राजा बेटा यहाँ इनको प्यार दुलार कर रहे हैं अपने पापा को और वो खेले जा रहे हैं। आप ये जो मेरा बैग आप देख रहे हैं, ये बैग सिर्फ राजा बेटा के खाने पीने से ही भरा हुआ है, वो सब कुछ लेके बस खा रहे थे। और यहाँ पे मैं और राजा बेटा दोनों लोग मस्ती कर रहे थे क्योंकि राजा बेटा को यही सब चीज़ें अच्छी लगती है, क्योंकि हम लोग अभी बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे कि हम अंदर जाएंगे क्योंकि अंदर का भीड़ इतना ज़्यादा था और पब्लिक टाइम टू टाइम बढ़ती जा रही थी और मुझे घबराहट सी हुई थी कि अगर हम लोग अंदर गए और अंदर कुछ भी थोड़ा सा भी शोर शराबा हुआ तो राजा बेटा डर जाएंगे, और ये बिल्कुल भी हमको मंजूर नहीं था। तो हम लोग बाहर अंदर ही ऐसे ही छत पे बैठ के अपना खेल हो रहे थे। हम लोग बस वेट कर रहे थे कि थोड़ी सी भीड़ छट जाए फिर अंदर जाके थोड़ा सा घूम के आते हैं, लेकिन जो है भीड़ छटने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। एकदम टाइम टू टाइम जो है वो भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हमें यहाँ बैठ गए थे पति देव अकेले जाके घूम के आ गए थे, मैं राजा बेटा को लेके बैठी थी। फिर उसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे, नीचे जो दरगाह है हम यहाँ पे आ गए थे क्योंकि यहाँ का जो जगह था वो पूरा खाली था और यहाँ पे शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बहुत ही शांति का माहौल रहता है, दरगाह है इसकी वजह से। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे, राजा बेटा को मैं ये सारी चीज़ें दिखा रही थी क्योंकि जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें राजा बेटा के लिए बिल्कुल भी नई थी तो उनको ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी था। हालांकि उनको भी बहुत ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं, सब कुछ समझ तो उतना पाते नहीं है, लेकिन हाँ जो चीज़ देखते हैं उसको नोटिस ज़रूर करते हैं वो। और यहाँ पति देव राजा बेटा का हाथ पकड़ के सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देखो भूल गया है इसको ये बोलते हैं, मतलब वो उसको समझा रहे थे। और मैं भी राजा बेटा को लेके समझाई जा रही थी कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है वो, देखिए आप कितना ऊपर है कितना ये है, लेकिन राजा बेटा का दिमाग जो था वो था कि हम फिर से बाहर जाएंगे, बाहर जाके मुझे कुछ मिलेगा खरीदने के लिए, खरीद के बस वो मेरा बैग पाट रहा है, उनको कुछ खाना नहीं। आप देख सकते हैं उनके हाथ में जो है माजा है और कैंडी भी उन्होंने ले लिया था, लेकिन दोनों चीज़ों को खाना नहीं था, बस उन्होंने कि मेरे हाथ में पकड़ा देते हैं वजन बढ़ाने के लिए। फिर हम लोग आ गए थे बाहर गार्डन में बैठने के लिए, जिस हाथ में बैठे थे कुछ उनके दोस्त मिल गए थे तो वो वहाँ पे फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिए थे अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि राजा बेटा की जो बॉन्ड होती है वो किसी के साथ भी जल्दी से मैच हो जाती है, वो सबके साथ घुल मिल जाते हैं। तो यहाँ पे वो खेलने लगे थे तो हम लोग भी बहुत रिलैक्स मोड में बैठ गए थे कि चलो अभी राजा बेटा खेल रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए हम बैठ जाते हैं, हमें दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा। बट ये पॉसिबल नहीं है कि हमें दौड़ना भागना ना पड़े क्योंकि राजा बेटा खेलते खेलते थोड़ा दूर निकल जाते हैं तो फिर ये दिक्कत हो जाती है, तो किसी न किसी एक जन को उठना पड़ जाता है, या तो मैं उठती थी या तो पति देव उठते थे पकड़ने के लिए। फिर राजा बेटा अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देते थे
और भीड़ की मतलब भीड़ आज कम नहीं होने वाली थी। आज हम लोगों ने बहुत ही गलत डिसीजन ले लिया था आने का, क्योंकि भीड़ दिन के दिन टाइम टू टाइम बढ़ रही है। फिर हम लोग बैठे थे कि चलो यार कोई नहीं, आ गए हैं, घूम लिए हैं, घूम के देखेंगे। फिर मैं यार सोच रही थी कि पति देव को अपने कैमरे में कैप्चर करूँ, लेकिन पति देव का नज़र जो है राजा बेटा से बिल्कुल नहीं हट रहा था। वो कह रहे थे कि नहीं, इससे नज़र नहीं हटाना, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है कि अगर एक सेकंड के लिए भी नज़र हटाएं तो वो गायब हो जाएगा। फिर यहाँ पर पति देव भी खेलना स्टार्ट कर दिए थे राजा बेटा के साथ में। वो खेलना नहीं था, बस पति देव का प्लान था कि राजा बेटा को गेट तक लेके आया जाए। वो राजा बेटा को गेट तक लेके आने लगे थे कि यहाँ से हम लोग राजा बेटा को मतलब लेके जा सकते, क्योंकि राजा बेटा आने के लिए नहीं तैयार थे। तो बस सब लोग